हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर लेना है और उसको चेक करना है कि वह क्या है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम प्राइम नंबर जानते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि एक प्राइम नंबर क्या है, एन एक प्राइम नंबर है। तो यह प्राइम नंबर क्या होगा, या तो फिर यह खुद से डिवाइड होगा या फिर यह वन से डिवाइड होगा, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर। जैसे यदि 5, तो 5 के कोई भी फैक्टर नहीं है। जैसे यदि इसको 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, और 5 को 1 से डिवाइड करें तो 5 ही आएगा। तो ये है प्राइम नंबर कुछ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये 4 क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, और यहाँ पर 6 भी नॉन प्राइम है। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमें जो 3, 5, 7, हमें इन नंबर को क्या करना है, बताना है कि यह क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। जो भी यूजर देगा हमें इनपुट करके, हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वह प्राइम नंबर है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे बूलियन टाइप का, और इसमें दे देंगे वैल्यू हम फॉल्स। अब हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कि यह 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हम 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 1 से तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी प्रिंट कर देगा कि ये प्राइम नंबर है। तो हम 1 से नहीं चेक करेंगे, हम 1 को छोड़कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है लिमिट 2 से उस नंबर तक, जो भी वो नंबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इफ नंबर मॉड्यूल आई डबल इक्वल 0। यहाँ पर यदि कोई नंबर है वो इस रेंज में आता है और जो आई की वैल्यू होगी वो इस नंबर को डिवाइड करेगी और वह क्या कर देगा, हमें 0 रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, यानी कि यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके विपरीत होगा तो यह प्राइम नंबर होगा। अब इस लूप के बाहर निकलकर हम फ्लैग को चेक कर लेंगे कि फ्लैग ट्रू है तो यह प्राइम नंबर नहीं है। फ्लैग यहाँ पर नॉट अ प्राइम नंबर, और यहाँ पर अदरवाइज इसके बाद क्या होगा, प्राइम नंबर वो नहीं है। यहाँ पर ट्रू है, फ्लैग ट्रू है तो यह प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ पर अदरवाइज वह प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्राइम। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर हमने किया 5 एंटर और इसको किया रन, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना था फ्लैग। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पर हमने एंटर किया 5, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यह क्या प्राइम नंबर है। हम इसको फिर से रन करेंगे, अब कि हम कुछ और आउटपुट ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 10, तो हमें यह बता देगा कि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि यह किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल पहली लाइन पर जाएगा और यहाँ पर इनपुट लेगा, इस इनपुट को हमने जैसे इनपुट दिया 7, तो यहाँ पर 7 आ गया स्ट्रिंग में। अब यह इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर में वैल्यू पहुँच जाएगी 7। अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर लूप चलेगा जिसकी रेंज होगी 2 to n, यानी n क्या था 7। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इफ ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी, नंबर मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नंबर क्या था, 7 था, और i क्या था हमारे पास, 2 था। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 7 मॉड्यूलो 2, और यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स ही रहेगी।
अब यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी 2 से 3। तो इस प्रकार से यह फिर से रन होगा और यहाँ पर ये वैल्यू चेक होती जाएगी, तो हर बार वह फॉल्स ही रिटर्न करता जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, अब वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, आई की 5 हो गई। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 6 है, और यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा एफ ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर हमें प्राइम प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइम नंबर की यह वर्किंग थी, तो इस प्रकार से यह इस प्रोग्राम की वर्किंग थी। तो हम इसी प्राइम नंबर पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं कि हमें रेंज दी जाएगी, कि कोई भी लिमिट दी जाएगी कि हमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना है और वह हमें प्राइम नंबर सारे सारे प्रिंट कराने हैं। तो देखते हैं हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले डेफ और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइम, और यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं। अब इस एन को हम चेक करेंगे इस लूप में, रेंज होगी 2 से n तक जो भी यूजर इनपुट करेगा। और यहाँ पर इफ मॉड्यूल आई इज इक्वल 0, तो यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना। और यहाँ पर ये यह फंक्शन क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पर ये लूप रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये फंक्शन रिटर्न ही करेगा ट्रू। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर इनपुट, एंटर स्टार्टिंग नंबर, यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर हम एंटर करवा लेंगे। अब यहाँ पर एंड वाला नंबर भी हम इनपुट करवा लेंगे, एंटर एंडिंग नंबर। अब यहाँ पर एक स्टार्ट नंबर भी हमारे पास आ जाएगा और एंड नंबर भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक और लूप लगाते हैं जो चलेगा फॉर आई इन रेंज। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी जो भी हमें यूजर ने इनपुट की थी, स्टार्ट और एंड। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इस फंक्शन को कॉल करके कि जो आई आया है वो प्राइम है कि नहीं। यदि प्राइम है तो प्रिंट कर दो आई क्यूब, और यहाँ पर उसके लास्ट में कॉमा भी ऐड कर दो। तो इस प्रकार से यह प्राइम नंबर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोग्राम बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमने किया रन और यहाँ पर एंटर स्टार्टिंग नंबर, तो हम स्टार्टिंग नंबर दे देते हैं 4 और एंडिंग नंबर दे देते हैं 20 और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी प्राइम नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे। यहाँ पर 5, 7, 11, 13, 17 और 19, तो ये हमारे पास यही प्रिंट होकर आ जाएंगे प्राइम नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रेंज दी गई है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लिमिट दी गई है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया गया है, उसके मध्य जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका हमें सम प्रिंट करा कर दीजिए। तो हम उसको भी कर देते हैं, यहाँ पर सम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम 0 असाइन कर देते हैं और यहाँ पर सम प्लस इक्वल आई, सम में आई को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो भी प्राइम नंबर थे उनका सम प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग 4 और एंडिंग 14, तो यहाँ पर ये आ रहा है 5, 7, 11 और 13। एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या कराना था, सम को भी प्रिंट कराना था, प्रिंट और यहाँ पर सम, तो हमारे पास सही आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर हम एंटर करते हैं 4 और यहाँ पर 14, तो यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा 36 और यह एक राइट आंसर है। तो इस प्रकार से यह कोड बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसको हम डीबग करके देख लेते हैं यह किस प्रकार से रन हो रहा है। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पर कंट्रोल सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन होगा प्राइम नाम का, और इसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल स्टार्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर ही इनपुट ले लेगा इंटीजर। जैसे हमने दिया 4, तो यहाँ पर स्टार्ट में चला जाएगा 4 और यह इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद एक और वैल्यू लेगा, इसके बाद ये वैल्यू भी दे देंगे, तो यहाँ पर एंड में 14 असाइन हो जाएगा। अब इसके बाद एक और वेरिएबल असाइन हो जाएगा, डिक्लेयर, और डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर ये लूप चलेगा, तो सबसे पहले इसकी रेंज देखी जाएगी, स्टार्ट और एंड यानी 4 और 14 इसकी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ पर होगी, सबसे पहले स्टार्ट पर होगी, स्टार्ट, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है, तो प्राइम में सबसे पहले 4 जाएगा। प्राइम में 4 जाते ही जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया है वहां पर पहुंच जाएंगे, और फिर वो वाला लूप चलने लगेगा। तो ये वाला लूप चलेगा और यह यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा कि यह प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो रेंज हमारी दी गई स्टार्ट 4 और 14 के बीच होगी, तो यह ऐसे ही यह बार बार प्रोग्राम रन होता जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा।